पानीपत का फ्लाईओवर एक बार फिर से विवादों में है। विवाद ऐसा कि अगर कुछ हो जाता तो पानीपत एक बार फिर से बदनाम हो जाता। मामला है डीसी कैंप ऑफिस के सामने फ्लाईओवर के नीचे का, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दिन दहाड़े दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दो आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने ही वाले थे कि इसी बीच वहां पर कुछ पत्रकार पहुंच गए, क्योंकि जहां पर वारदात हुई वहां पर ठीक उसके सामने मीडिया सेंटर है। कुछ पत्रकार जब मीडिया सेंटर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला को युवक अपने कंधे पर फ्लाईओवर के नीचे ले जा रहा था। तभी उन्हें उस पर शक हुआ तो उन्होंने देखा कि दोनों युवक महिला को कोने में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई बड़ी घटना होती उससे पहले ही पत्रकारों ने युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और उसके बाद मामले की सूचना डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही तहसील कैंप थाना डीएसपी सच्चो समेत पुलिस दल बल मौके पर पहुंचा। मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाकर महिला को वहां से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जबकि दोनों आरोपी युवकों को तहसील कैंप थाने के लोकअप में बंद किया गया है। भाई मैं तड़की मीडिया सेंटर में आया था लगभग एक घंटा पहले, तो आकर जैसे ही मैंने बाइक रोकी तो जो एक नशेड़ी था वो इसने कंधे पे गेर कर लेकर रोड क्रॉस कर लाग रहा था। एक बार तो मैंने रुक कर देखा, मैं इसने कोई बिठाना चाहे तो मैंने सोची आदमी होगा, लेकिन जो मेरा कैमरामैन था मैंने उससे कही भाई देखिए आदमी है, तो उन्होंने बोले हाँ आदमी है। मैंने इसकी सलवार देखी, मैंने ना भाई आदमी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, और मैं कहा कुछ ना कुछ गलत काम करेगा इसकी अल्लाह। तो उन लेकर कबाड़ भी पड़े आए हो तो याड़ा हो चुकर लेकर इसने आया, इसने वहाँ पितर कौन सी मैंने दबेल दी। तो मैंने अपना कैमरामैन के लिए भेजा, मगर तू भाई चुपचाप जाया और एक बार चेक कर। वो आया, उसने देखा हड़ा कि भाई इसने जो है इसके कपड़े जो है निकालने की कोशिश कर दी थी, काट दिए थे लगभग, इसकी जो सलवार थी वह काट दी थी। तो उसने गिल्ला मर तो फोन मारा, मैं उन लगा खड़ा था मीडिया सेंटर में, सारे के सारे मैं गिल्ला आया कहना मौके पर हमने ये आड़े दोनों के दोनों बिठा लिए। दो बंदे थे, एक ही आड़े पहले था, उसके पीछे पीछे जो हल्ला गया था वो साइड में था, फुल नशे में गति सलवार निकाल दी थी। तो उसके गिल्ला गलत काम हो जाता इस महिला गिल्ला, और फिर वह बात है कहीं ना कहीं फिर पुलिस के ऊपर भी सवाल है, प्रशासन के ऊपर भी सवाल, सारी जगह सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब का ठेका भी नजदीक है और नशे की बात करी जाए तो सरकार दावे करे नशा मुक्त, लेकिन एक 25 साल का, एक 27 साल का मतलब युवा, ये बताओ युवा है, ये बताओ कुछ बिगड़े भी नहीं, इतनी कम उम्र में नशा करके गलत काम करना, फुल 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 नशे में है अभी, कहीं ना कहीं लग रही है फुल नशे में है। मौके पर पाया गया कि एक महिला आपत्तिजनक हालत में पड़ी हुई थी। पत्रकारों ने दोनों युवकों को महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। आरोपी युवक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे, वो लगातार महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। सूचना मिली थी कि दो बंदे और एक लेडीज है वहाँ मीडिया सेंटर के सामने पुल के नीचे, हमारे को ये सूचना मिली। तो सर आप पहुँचे सर, क्या कैसी अवस्था है? लेडीज को नोट ही रही है पहले, वो साइड में नोट ले साइड में, मतलब ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग टाइम पे? हाँ टाइम पे पहुँच गए थे, वो इधर ऐसे साइड में ये जो खंभा है ये पिलर है, पिलर के पास में लोटे थे, लेडीज अलग लोटे थे। वो दोनों लड़के लेडी है सर, डिटेन कर लिए कौन है सर, ये कहाँ से है? इधर कहीं बता रहे नशे में, तो नशा कर रहे हैं अभी, पूछताछ करेंगे, आइए बुला दिया अधिकारी को, सूचना दे दी है। हाँ पुलिस को मामले की सूचना देने वाले पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा ने बताया कि उसके सामने दो नशे में धुत युवक महिला को कंधे पर उठाकर फ्लाईओवर के नीचे ले जा रहे थे। उसने आरोपियों का पीछा किया तो फ्लाईओवर के नीचे कोने में दोनों युवक महिला के कपड़े उतार रहे थे। उसने तत्परता दिखाते हुए अपने साथी के साथ मिलकर डायल 112 को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को काबू कर लिया गया। दोनों युवक नशे में धुत थे, वहीं महिला की अवस्था देख अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला ने नशा किया हुआ था, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी ने महिला को उठाने की काफी कोशिश की लेकिन वो महिला जागी नहीं, जिसके बाद महिला को उठाकर एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल ले जाया गया। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।